नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में दावा यह किया जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यह रिपोर्ट निकाली है जामा न्यूरोलॉजी ने। मतलब समय के साथ साथ मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है, इससे डिमेंशिया का खतरा कम हो रहा है। डिमेंशिया यानी यह एक प्रकार की बीमारी है जिसमें आपको सोचने समझने व निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आप बार बार कोई चीज भूल जाते हो। अगर रिपोर्ट की माने तो उसमें दावा यह भी किया है कि मस्तिष्क का आकार बढ़ने से युवा पीढ़ी में डिमेंशिया का खतरा कम हो रहा है। जामा न्यूरोलॉजी ने एक स्टडी की, उसमें 55 से 65 वर्ष की उम्र के 3,000 से अधिक अमेरिकी लोगों के मस्तिष्क की तस्वीरें लगाई। उस रिपोर्ट में पाया कि 1970 के दशक में पैदा हुए लोगों का ब्रेन वॉल्यूम 1930 के दशक में पैदा हुए लोगों की तुलना में 6.6% अधिक था। उस रिपोर्ट में दावा यह भी है कि 1970 वाले दशक के लोगों में व्हाइट मैटर की मात्रा 8% अधिक व ग्रे मैटर सरफेस एरिया की मात्रा 15% से अधिक थी। अगर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो दुनिया में 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया के शिकार है।